हेलो एंड वेलकम टू मनु का ज्ञान सब्सक्राइबर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th की इंग्लिश की बुक का। तो देखते हैं हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक को बहुत ही शॉर्ट समरी के अंदर। तो इस स्टोरी के अंदर हम लोग एनी या फिर एना के बारे में पढ़ने वाले हैं। एना जो होती है वो काफ़ी मिस्टीरियस टाइप लड़की होती है, मतलब ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करती है वो। तो वो क्या करती है, वो डायरी लिखना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसको ये फील होता है कि कहीं स्ट्रेंज सा तो नहीं है, मैं कुछ अजीब सा बिहेव तो नहीं कर रही। उसको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी डायरी लिखी नहीं होती, और वो ये भी सोचती है कि कौन इंटरेस्टेड होगा भैया इतनी सी छोटी सी बच्ची की डायरी पढ़ने में। तो वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है क्योंकि वो एक दिन है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है, तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं आज डायरी लिखूँ। तो वो डायरी लिखना स्टार्ट कर देती है। फिर उसको लिखते लिखते एक चीज़ फील होती है कि जो डायरी थी, जो पेजेस थे, इनमें बड़ा पेशेंस था लोगों से ज़्यादा। जो भी चीज़ वो लिख रही थी, चाहे धीरे लिख रही थी, आराम से लिख रही थी, पेज वहीं के वहीं पे थमे हुए थे, मतलब कोई भी बोर नहीं हो रहा था। जैसा होता है ना स्कूल में, अगर कोई बच्चा तुम्हारे साथ में बैठा और कहानी सुना रहा है अजीब अजीब सी, तो तुम बोर होकर भाग लेते हो, अरे भाई दिमाग खराब, भागो यहाँ से। तो ऐसा नहीं था, वो इन्जॉय कर रही थी एक एक चीज़ को। इसके बाद एना डायरी के अंदर लिखना स्टार्ट करती है अपनी फैमिली के बारे में। वो ये लिखती है कि जो भी उसका वर्ल्ड था वो कंप्लीट था, वो अलोनली थी, मतलब अकेली नहीं थी, उसकी फैमिली थी, उसके फ्रेंड्स थे, अप्रोक्सीमेटली उसके 30 जो क्लास में होंगे बच्चे, 30 उसके फ्रेंड्स थे। वो ये बोलती थी सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, मतलब ये नहीं है कि पक्के ही दोस्त हैं उसके। और फिर उसकी आंट भी थी और एक घर भी था अच्छा सा, तो वो इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी खुश थी। और वो ये भी सोचती थी कि ये जो डायरी है ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही पढ़ाऊँगी, और किसी को मैं ये डायरी देखने भी नहीं दूँगी। तो वो ऐसा सोचती है, लेकिन जो अभी उसके करेंटली फ्रेंड्स होते हैं उनमें से उसे कोई भी इतना ट्रस्ट वर्दी नहीं लगता, कोई भी इतना उसे मतलब ट्रस्टेबल पर्सन नहीं लगता जिस पर वो भरोसा कर सके और अपने सारे राज उसको बता सके। वो डायरी को ही लेकिन अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और अपनी डायरी का नाम रख देती है किटी। अब वो किटी के अंदर सारी चीज़ें अपनी फैमिली की भी धीरे धीरे करके, तो वो ये लिखना स्टार्ट करती है डायरी के अंदर कि जब उसकी मदर 25 ईयर्स की थी तब उसके फादर 36 ईयर ओल्ड थे, और तब इन दोनों की शादी हुई थी। उसके बाद मार्गरेट जो उसकी बड़ी बहन थी वो बॉर्न हुई थी 1926 के अंदर, और उसके बाद एना फ्रैंक बॉर्न हुई थी 12 जून 1929 के अंदर। तो यहाँ पर ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। तो उसके फादर होलैंड में इमिग्रेट हो जाते हैं, मतलब होलैंड चले जाते हैं वो काम वगैरह के लिए 1933 के अंदर, और इसी के साथ साथ उनकी जो मदर होती हैं वो भी चली जाती हैं उन्हीं के साथ। जब वो वहाँ पर जाती हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि आप वापस जाइए कहाँ पर, जो उसकी ग्रैंड मदर होती हैं, जो दादी होती हैं एना फ्रैंक की, उनके पास रहने के लिए। कोई होगा रीज़न, शायद उसकी दादी की तबीयत ख़राब होगी तो इस वजह से उसकी मदर वापस रिटर्न कर लेते हैं। लेकिन फिर दोबारा वो लोग कुछ सालों बाद होलैंड चले जाते हैं। अब यहाँ पर एना अपने स्कूल के बारे में भी थोड़ा सा बताती है। अब यहाँ पर एना फ्रैंक की नर्सरी स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पर वो अपने टीचर के बारे में बता रही है जिनका नाम क्यूपेरस होता है, जो हेड मिस्ट्रेस भी होती हैं उस स्कूल की। तो वो 6th क्लास में उनको पढ़ाया करती थी, लेकिन जब ये स्कूल छोड़ रहे थे बच्चे, मतलब जब ये बड़ी क्लासेस में जा रहे थे, फेयरवेल हो रहा था इन स्टूडेंट्स का, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गई थी इन बच्चों से।